इस वक्त एक नई जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महीने में सीएम साय सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले। जी हां, जैसा कि हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार की आज यानी कि 13 मार्च को 3 महीने पूरा हो चुके हैं और इन 3 महीनों में विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने जैसे कई अहम निर्णय लिए। अपनी सरकार के परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भी सभी 11 की 11 सीटें पार्टी जिताने में इस बार कामयाब हो जाएगी। और आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हुई मतगणना में जीत हासिल करने के बाद 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने 2 उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ भी ली थी। और इसी बीच विष्णुदेव साय ने कहा कि 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की कई गारंटियों को पूरा करने में सफल रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चुनावी वादों के मुताबिक प्रदेश में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की जा चुकी है, जहां चुनावों से पहले 68 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए DBT के जरिए डाले जा चुके हैं। दरअसल विधानसभा के पहले बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का भी वादा किया था, जिससे बीजेपी को महिलाओं ने पूरा समर्थन भी दिया। और अब इस वादे को पूरा करने के बाद बीजेपी का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाएं एक बार फिर से पार्टी का साथ देंगे। और इसलिए सीएम ने कहा कि 3 महीने में हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।